कानपुर की साझा रैली में बोले अखिलेश यादव, कांग्रेस के हाथ से बड़ी साइकिल गिरफ्तार। अखिलेश ने बीजेपी बीएसपी पर लगाया गठबंधन का आरोप, कहा तीन तीन बार मिलकर सरकार बनाने वाले जनता की आंखों में झोंक रहे धूल। अखिलेश के साथ साझा मंच से राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा हमारे गठबंधन से उड़ी मोदी की मुस्कुराहट। इसका मतलब सेवा सर्विस गरीब लोगों के लिए, सी का मतलब करेज, ए का मतलब एबिलिटी और एम का मतलब मॉडेस्टी। शेर पढ़कर राहुल ने अखिलेश के साथ रिश्तों की मजबूती को समझाया। राहुल गांधी ने अखिलेश से की युवाओं के लिए मैनिफेस्टो की वकालत, दो सुझाव भी दिए, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर में मुफ्त शिक्षा देने और छोटी फैक्ट्री चलाने वालों की मदद का सुझाव। यूपी के सहारनपुर में राहुल गांधी की रैली, पीएम मोदी के आंधी वाले बयान पर पलटवार, कहा गठबंधन की आंधी यूपी से पूरे देश में उड़ जाएगी बीजेपी। मोदी पर कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने का आरोप, राहुल गांधी बोले 50 सबसे ज्यादा अमीर परिवारों ने हड़प लिए 1,10,000 करोड़ और गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। उन्नाव में मुख्यमंत्री अखिलेश ने फिर किया मोदी के स्कैम वाले बयान पर पलटवार, कहा पूरे देश को अमित शाह और मोदी से मुक्त कराना है गठबंधन का लक्ष्य। अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर भी पीएम पर साधा निशाना, कहा रुपया काला या सफेद नहीं होता लेकिन मोदी किसान मजदूरों को कर रहे हैं बदनाम। अलीगढ़ रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एसपी कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की आंधी से डरे मुख्यमंत्री ले रहे कांग्रेस का सहारा लेकिन वो बच नहीं पाए। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री बोले यूपी में चुनाव जीतने के लिए नहीं, केंद्र की ईमानदार सरकार के खौफ से गठबंधन, यूपी में बीजेपी जीतो तो राज्यसभा में बढ़ेगा बहुमत, बनाएंगे चारों के खिलाफ कड़ा कानून। अलीगढ़ में मोदी ने की विकास के मंत्र की व्याख्या, कहा विद्युत कानून व्यवस्था और सड़क के तीन मंत्रों से बना है मेरे विकास का एजेंडा। जब मैं विकास की बात करता हूं, वी का मेरा मतलब है विद्युत, का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था और स का मेरा मतलब है सड़क। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नोटबंदी का जिक्र, कहा 70 साल से देश को लूट रहे लोगों को एक रात में कर दिया बेनकाब। मोदी ने लगाया यूपी में नौकरी घोटालों का आरोप, कहा सरकार बनी तो जाति विशेष के लोगों को नौकरी दे जाने के हर मामले की होगी जांच। प्रधानमंत्री ने किसानों कारोबारियों को दिया यूपी में बेहतर शासन का भरोसा, कहा यूपी में सरकारों ने की लूट और बर्बादी, उद्योग धंधों पर लटकाए अलीगढ़ के ताले। यूपी में कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी का निशाना, कहा यूपी में लाए बहु बेटियों की हिफाजत करने वाली बीजेपी की सरकार। रैली से पहले अलीगढ़ में बदले मौसम पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज तो नरेंद्र और इंद्र दोनों साथ साथ आ गए। उत्तराखंड के सितारगंज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली, कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहाड़ के कुदरती खजाने को लूटने में लगी सरकार। मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा अल्पसंख्यकों दलितों के साथ दोनों सरकारों ने किया भेदभाव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व इलाके में बसे गांव कुंवरपुर ने किया चुनाव का बहिष्कार, तेंदुए की दहशत से राहत न मिल पाने से नाराज। गुजरात के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने वाले विवादास्पद विधेयक पर राज्यपाल ने किया हस्ताक्षर, आर्थिक और शैक्षणिक फैसले लेने का अंतिम हक अब सरकार के पास। तमिलनाडु के डेयरी उद्योग मंत्री और एआईएडीएम के नेता राजेंद्र बालाजी पर युवक की पिटाई का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, वीडियो में समर्थक कर रहे हैं युवक की पिटाई, युवक पर शशिकला का पोस्टर फाड़ने का आरोप। तमिलनाडु की नई सीएम बनेंगी जलता की सबसे करीबी शशिकला, विधायक दल की नेता बनी शशिकला।
मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने रखा शशिकला को नेता बनाने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। शशिकला 8 या 9 फरवरी को ले सकती हैं शपथ। जयललिता के निधन के बाद शशिकला बनाई गई थी पार्टी महासचिव, पनीरसेल्वम बनाए गए थे मुख्यमंत्री। जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत, शशिकला की ताजपोशी पर की टिप्पणी, सेना के तख्ता पलट की से की तुलना। तमिल अभिनेत्री गौतमी तड़ीमाला ने 3 फरवरी को पीएम मोदी को लिखा खत, जयललिता के इलाज के दौरान राज्य सरकार की गोपनीयता को बनाया मुद्दा, जांच की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना बुक फेयर में कमल में भरा रंग, तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल, निकालने जा रहे हैं सियासी माइंड। बिहार के जहानाबाद में कोर्ट ने 2 सांसदों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव और जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार पर विवादित बयान देने का आरोप। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र, अंबिका सोनी के साथ सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद। ऋषिकेश में आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने एसपी कांग्रेस गठबंधन पर कसा तंज, कहा अखिलेश उपद्रवी बालक की तरह चला रहे हैं, होंगे साइकिल ठीक से चलाने के लिए थामा हाथ। कुमार विश्वास ने राहुल गांधी और अखिलेश पर भी किया कटाक्ष, कहा एक बच्चा बड़ा नहीं होना चाहता, दूसरे को लखनऊ वाले बड़ा नहीं होने दे रहे। पश्चिम बंगाल के मालदा से 40 साल का संदिग्ध युवक गिरफ्तार, बांग्लादेश बॉर्डर पर 2000 रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा गया युवक। मदुरै में जलीकट्टू के आयोजन में हादसा, 30 लोग जख्मी, आयोजन के दौरान बेकाबू हुए बैल। कर्नाटक के हुबली में बैलगाड़ियों की रेस, तमिलनाडु की तर्ज पर कंबाला परंपरा के लिए कर्नाटक में भी जारी आंदोलन। मुंबई के वसई नगर निगम से जुड़े 9 सरकारी ठेकेदारों को हटाया गया, एक पार्टी में अश्लील डांस का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई कार्रवाई। शिरडी के साईं बाबा को चढ़ाया गया सोने का मुकुट, एक महिला ने भेंट किया 5,56,000 का स्वर्ण मुकुट। हिसार में ऊंची जाति में शादी करने वाले दलित युवक की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पत्नी ने परिवार वालों पर आरोप। दिल्ली के पांडव नगर में चाचा पर 7 साल की भतीजी के साथ रेप का आरोप, मां ने रंगे हाथ पकड़ा, आरोपी चाचा गिरफ्तार। पुणे में पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी, भारती विद्यापीठ इलाके में घर में मिला 4 शव। पत्नी और बेटियों की हत्या कर खुदकुशी के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, घटना की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। राजस्थान के भरतपुर में पानी निकासी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां, आधा दर्जन लोग जख्मी। कश्मीर सॉलिडैरिटी डे पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगे आजादी के नारे, लोगों ने पाक हुक्मरानों और आईएसआई पर लगाया जुल्म ढाने का आरोप। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश सचिव, अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। आतंकी हाफिज के संगठन जमात उद्दावा ने फिर बदली गीदड़ की खाल, आतंकी संगठन का नाम बदलकर किया तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर। अब तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर के जरिए हाफिज की भारत में दहशत फैलाने की मंशा। लश्कर तैयबा आज कश्मीर कारवा कार्यक्रम के तहत सेट करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा। भोपाल में चर्चित आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश में आरोपी उद्यन दास को रायपुर लेकर पहुंची पुलिस, मां बाप की कब्रों की हुई खुदाई। पुलिस के मुताबिक उद्यन ने साल 2011 में रायपुर में डीएसपी पद से रिटायर्ड अपनी मां और पिता का किया था कत्ल, घर में ही दफना दिया था शव। गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या के आरोपी उद्यन को ने घर बेचने के लालच में माता पिता की हत्या की बात कबूली, रायपुर में खुदाई मिले सबूत। भोपाल कोर्ट ने उद्यन को भेजा है 15 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर, रायपुर के बाद उद्यन को पश्चिम बंगाल के बांकुरा भी ले जाएगी पुलिस। पुलिस ने बयां कि उद्यन से जुड़ा एक और खौफनाक राज, आकांक्षा की हत्या के बाद उद्यन ने शव को घर में स्लैब बनाकर किया था दफन, उसी स्लैब पर कॉल गर्ल से बनाता था संबंध। गाजियाबाद ऑडी एक्सीडेंट केस में कार मालिक पर शिकंजा, डॉक्टर मनीष रावत से पूछताछ करेगी पुलिस। गाजियाबाद में ऑडी हादसे में आरोपी ड्राइवर के खुलासे से आया नया मोड़, ड्राइवर इशाक का दावा कार मालिक को जानता नहीं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा, खंभे से टकराई बेकाबू कार, 2 लोग हुए घायल, एम्स में भर्ती कराने की आई नौबत। दिल्ली के उस्मानपुर में एक दोस्त ने दोस्त की गला काटकर हत्या की, 2 आरोपी गिरफ्तार। 30 जनवरी को पार्टी के बहाने बुलाकर की दोस्त ने दोस्त की हत्या,
पुलिस के मुताबिक एक मिस्ड कॉल के बाद पत्नी से बन गए थे अवैध रिश्ते। एम्स में काम करने वाली नर्स राजवीर की इलाज के दौरान मौत, गुस्सा परिजनों ने एम्स प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गर्भवती नर्स राजवीर को सर्जरी के दौरान गलत एनेस्थीसिया देने का आरोप, एम्स प्रशासन बोला जांच में सामने आएगा सच। पटना में एक इमारत की छत ढही, मलबे के चपेट में आने से परिवार के साथ लोग जख्मी। सूरत में भजन कार्यक्रम के दौरान जमकर उड़ाए गए नोट। बुल्ढाणा के सिंधखेड राजा इलाके में जाल में फंसे तेंदुए की हुई मौत, एक किसान ने फसल की सुरक्षा के लिए लगाया था जाल। अब जेएनयू के प्रोफेसर पर लगा देश विरोधी बयानबाजी का आरोप, प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर आरोप, जोधपुर में एक सेमिनार के दौरान सेना और राष्ट्रीयता पर की भद्दी टिप्पणी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने प्रोफेसर निवेदिता पर लगे आरोपों को बताया साजिश, केंद्र सरकार और संघ पर साधा निशाना। दिल्ली के नरेला में बच्चों की पढ़ाई के काम छोड़कर सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन में स्वागत गीत गाते देखे शिक्षक, स्कूल से जुड़ा नहीं था कार्यक्रम। मेयर संजीव नायर की ने शिक्षकों की स्वागत गीत पर दिया विवादित बयान, बोले बच्चों की क्लास में शिक्षकों के नहीं जाने से खास असर नहीं पड़ता। 7 फरवरी को इलाज के लिए बेंगलुरु जाएंगे अरविंद केजरीवाल, 15 फरवरी तक नेचुरोपैथी से कराएंगे इलाज। दिल्ली में एक नौकरी पेशा लड़की को सरेआम अगवा करने की हुई कोशिश, आरोपियों ने दफ्तर जाने के लिए पिकअप का बहाना लेकर घर से बुलाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से लापता हुआ बीएसएफ जवान मनसा कीमा, 97 बटालियन का जवान पानसर में था तैनात। मिजोरम का रहने वाला था लापता जवान मानसा, 1 फरवरी से नहीं मिल रही खोज खबर, मढ़ीन पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई शिकायत। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का युवक सऊदी अरब में फंसा, परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मदद की गुहार। रविंद्र कुमार मदेशियन नाम का शख्स 4 साल पहले गया था सऊदी अरब, निजी कंपनी पर आरोप, रविंद्र के साथ करते हैं मारपीट, वतन वापस नहीं आने दे रहे। अरुणाचल प्रदेश के उजाखू इलाके में एनएससीएम का एक आतंकी ढेर, असम राइफल्स के साथ म्यांमार बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में मारा गया आतंकी। नागालैंड में निकाय चुनावों में 33% महिला आरक्षण के खिलाफ छिड़ा घमासान, हाईकोर्ट ने दी है इसे मंजूरी। असम के बक्सा इलाके में 5 तस्करों ने किया आत्मसमर्पण, सेना के हजवा कैंप में किया सरेंडर। असम के बारपेटा में बेकी नदी के कहर से कई गांव प्रभावित, जानिया इलाके में करीब 50 परिवारों को छोड़ना पड़ा घर बार। असम के चिरांग में हुए गैंगरेप केस के 2 आरोपियों को 7 साल की सजा, साल 2014 में वारदात को दिया था अंजाम।